नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल से क्यों लैस हो रही है भारत की 75 आई पनडुब्बी। देखा जाए आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो 75 आई प्रोजेक्ट क्या है, आप लोग इसे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट 75 आई को अक्टूबर 2014 में मंजूरी मिली थी। जो प्रोजेक्ट 75 आई पनडुब्बी है उसे 2014 में मंजूरी मिली थी। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो परियोजना था, परियोजना के अंतर्गत क्या क्या विवरण थे, अब हम इसको समझ लेते हैं। आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी चर्चा हम कर ही रहे हैं। जो परियोजना के तहत एक विदेशी सहयोगी से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, एक परियोजना के तहत एक विदेशी सहयोगी से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ साथ एक भारतीय शिपयार्ड द्वारा, एक भारतीय शिपयार्ड द्वारा 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था। इसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था एक परियोजना के तहत। 2015 में अगर हम बात करें, 2015 में चयन समिति द्वारा सिफारिश के आधार पर यह सिफारिश का निर्णय लिया गया था कि प्रोजेक्ट 75 आई की खरीद रणनीतिक साझेदारी के आधार पर होगी, एक रणनीतिक साझेदारी के आधार पर की जाएगी। और इसके तहत हम बात करें, जो 75 आई की खरीद रणनीतिक साझेदारी प्रतिमान के तहत की जाएगी, एक प्रतिमान के तहत की जाएगी। और रणनीतिक साझेदारी का मॉडल का उद्देश्य था, जो इसका मेन उद्देश्य ये था कि भारतीय निजी कंपनियां और विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाना था। भारत का ये उद्देश्य था कि स्वदेशी क्षमताओं की मानक क्षमताओं को कम ज्यादा से ज्यादा तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय अगर हम बात करें तो 75 आई एक बहुत ही अच्छा पनडुब्बी विमान बनने वाला है। तो देखा जाए, ये तो रही बात 75 आई की। आप लोग जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल आप लोग जानते होंगे, कई बार हम इस पर वीडियो भी बना चुके हैं और आप लोग पहले से इसके बारे में सब जानते होंगे। जो ब्रह्मोस मिसाइल है एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जो भारत और रूस के बीच में बनाया गया था। जो ब्रह्मोस मिसाइल की जो मारक क्षमता है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यह हवाई में सतह से मारकर बनाई जाती है। और इसका जो ब्रह्मोस मिसाइल को कई सारे सुपरसोनिक मिसाइल है, साथ साथ में कई सारे पनडुब्बियों में इसे तैनात किया जा रहा है। जो 75 आई पनडुब्बी है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया जाएगा, जिससे जो भारत के जो दुश्मन है वह कांपने की क्षमता रखते हैं। लेकिन और भी, जैसे चाइना तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश है ही है, उसको बहुत कम ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भारत को भविष्य में और भी ज्यादा पनडुब्बी मिसाइल बनाने की आवश्यकता होगी, अगर समुद्री तट की रक्षा करना है। तो इस हिसाब से हम बात करें, भारत का जो 75 आई है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल तैनात किया जाएगा और एक क्रूज मिसाइल भी इसमें तैनात होने वाला है। जो इसके 75 आई की जो शर्तें हैं, 75 आई की शर्तें की अगर हम बात करें, शर्तों में 75 आई के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, एयर इंडिपेंडेंट AIP प्रोपल्शन और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल क्षमता। जो 75 आई के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ साथ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल क्षमता कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज में मार गिराने वाली, 500 किलोमीटर की रेंज में कम से कम 12 LACM शामिल करने की मांग की गई है। और इसमें बहुत सारे क्रूज मिसाइल भी तैनात किए जाएंगे और साथ में ब्रह्मोस मिसाइल तो तैनात किया जाएगा 75 आई में। तो आप लोग 75 आई के बारे में पहले से जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आज हम इस पर चर्चा कर लिए हैं। तो एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं, जो ब्रह्मोस मिसाइल इसमें जो तैनात किया जाएगा, प्रोजेक्ट 75 आई को अक्टूबर 2014 में मंजूरी दी गई थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स पर यह पूछा जा सकता है। जो 75 आई को अक्टूबर 2014 में मंजूरी दी गई थी, एक छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पिछली बार आधार कार्ड से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसी तरह अगर देखा जाए, अगले तरफ हम बात करें, तो परियोजना के तहत एक विदेशी सहयोगी से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ एक भारतीय शिपयार्ड द्वारा 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था इसमें। और साथ में 2015 में एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया गया था
कि प्रोजेक्ट 75 आई खरीद रणनीतिक साझेदारी के प्रतिमान पर किया जाएगा। और साथ में रणनीतिक साझेदारी मॉडल का जो उद्देश्य था भारतीय निजी कंपनियों और विदेशी कंपनियों को मिलाकर स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने का मंजूरी थी, और स्वदेशी क्षमताओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना भारत का मेन उद्देश्य था। और साथ में देखा जाए 75 आई के लिए जो 75 आई की जो शर्तें हैं इसमें क्या क्या तैनात किए जाएंगे, तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन और लैंड अटैक के जो क्रूज मिसाइल की क्षमता 500 किलोमीटर की रेंज पर 12 LACM मिसाइल इसमें शामिल किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक खंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 सिर्फ आपका है।